अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हो तो इसका मतलब है आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा धन दौलत होगी। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं और शानदार पैसे कमाते हैं। वो संघर्ष और गुलामी नहीं करते। इस बात पे विश्वास ना करें कि आप सिर्फ अपने माथे के पसीने और कठिन परिश्रम से ही अमीर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिंदगी का सरल रास्ता ही श्रेष्ठ रास्ता होता है। वो काम करिए जो आपको करना पसंद है और उसे आनंद और उत्साह के साथ कीजिए। ऑथर उनके एक एग्जीक्यूटिव दोस्त के बारे में बताते हैं जो साल के $75,000 कमाता है और ऑथर के बुक लिखने से एक साल पहले 9 महीने के लिए क्रूज पे गया था दुनिया घूमने के लिए। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने में सफल हो गया था कि वो लायक है इतने पैसों के। उसने ऑथर को बताया कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उससे ज़्यादा मालूम है उनके काम के बारे में और उसे ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हफ्ते के सिर्फ $100 ही कमा पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं है और वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानने में। ऑथर ने पिछले 35 सालों से लोगों से बात की है जिनकी सामान्य शिकायत होती है कि मैंने हफ्तों और महीनों से अपने आप से ये कहा कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनी हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऑथर ने ये पता लगाया है कि वो लोग जब ये बातें खुद से कहते हैं तो महसूस करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। एक आदमी ने उन्हें बताया कि उसने अपने आप को थकाने तक ये बात कही कि वो धनी है और स्थिति अब और बिगड़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी को पता था जब वो ये स्टेटमेंट बोल रहा था तब कि वो असल में धनी नहीं है। उसके स्टेटमेंट्स उसके कॉन्शियस माइंड द्वारा रिजेक्ट किए गए और जो वो अपने आप से कह रहा था उसका उल्टा मैनिफेस्ट किया गया। आपके एफर्मेशन सफल होते हैं सबसे बेस्ट तब जब वो स्पेसिफिक हो और जब उन्हें कोई मानसिक विरोध का सामना ना करना पड़े। इसलिए उस आदमी के दोहराए हुए स्टेटमेंट्स ने स्थिति और बिगाड़ दी क्योंकि वो उसकी कमियों को दर्शा रहे थे। आपका सबकॉन्शियस वो स्वीकार करता है जिसे आप वास्तव में सच मानते हो, ना कि सिर्फ व्यर्थ शब्दों और वाक्यों को। आपकी डोमिनेंट सोच हमेशा एक्सेप्ट होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। टकराव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये प्रैक्टिकल स्टेटमेंट लगातार अपने आप से करें सोने से पहले कि सुबह और शाम आप सफल हो रहे हो आपके सभी कार्यों में। ये एफर्मेशन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जगाता क्योंकि ये विरोध नहीं करता आपकी सच्चाई से। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये सब ट्राई किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपको नतीजे नहीं मिले क्योंकि आपने डर के विचार अपने माइंड में लाए शायद 10 मिनट बाद ही अच्छी बातें एफर्म करने के और अपने एफर्मेशंस को बेअसर कर दिया। जब आप एक बीज जमीन में प्लांट करते हो तो उसे खोद के नहीं निकालते, आप उसे जड़ लेने देते हो और बढ़ने देते हो। इसी तरह आपको आपकी अच्छी सोच को भी ग्रो होने देना है। सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने आप से ये बोलने जा रहे हो कि आप ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इससे पहले कि आप ये सेंटेंस पूरा करें अपने आप को रोक दे और एक कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस पे ध्यान दे कि आप दिन रात सफलता की ओर बढ़ रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ट्रू सोर्स है वेल्थ का। उसके पास कभी कमी नहीं है आइडियाज की, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज तैयार है फ्लो होने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड में और कैश की तरह आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। ये प्रोसेस चलता रहेगा आपके माइंड में भले ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे, डॉलर या रुपये की कीमत कम हो या ज़्यादा। आपकी असली वेल्थ कभी बॉन्ड, स्टॉक्स और पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में है इन पे निर्भर नहीं करती। ये बस प्रतीक है जो बिल्कुल ज़रूरी तो है और काम के भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। पॉइंट ये है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर पाए कि वेल्थ आपकी है और वो हमेशा सर्कुलेट होती है आपके ज़िंदगी में, तो आपके पास हमेशा आइडियाज़ रहेंगे जिससे वेल्थ आपके पास आती रहेगी कोई ना कोई तरीके से।